आई वेलकम यू ऑल इन माई ऑनलाइन क्लासेज सो टू डे इज चैप्टर इज प्लांट न्यूट्रिशन सो लेट्स स्टडी दिस चैप्टर अब यहाँ पे हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे अब न्यूट्रिशन इन प्लान पढ़ने से पहले प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने से पहले ये न्यूट्रेंट वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे सो वॉट वॉट डू मीन बाई न्यूट्रेंट ये जो वर्ड आया है न्यूट्रिशन दिस वर्ड हैज़ कम फ्रॉम न्यूट्रेंट ये न्यूट्रेंट वर्ड से आया है दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास सिक्स क्लास सिक्स में हमने न्यूट्रेंट पढ़ा था जिसमें कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट ये सब आया था तो दीज कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या थे हमारे बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे और हमने एक सिंगल टर्म में ये जो प्रो प्रोटीन फैट विटामस कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स जो कहा था उसको एक सिंगल टर्म में हमने नाम दिया था न्यूट्रंट अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होगा ये न्यूट्रिएंट्स तो किस तरह हम लेंगे और किस तरह यूटिलाइज तो करेंगे दैट इज कॉल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग दीज न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सो हियर इज अ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग ऑफ़ फूड फॉर यूटिलाइज एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी दिस इज न्यूट्रिशन अब ये जो है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है अब हम देखते हैं कि जो हम लोग जो है प्लांट जनरली इंग्रेडिएंट जो आते थे उनके सोर्स थे प्लांट और एनिमल प्लांट सोर्स से फूड आते थे इंग्रेडिएंट आते थे या एनिमल सोर्स से जो इंग्रेडिएंट आते थे जिससे कोई भी रेसिपी हम लोग बनाते हैं तो कोई उसमें दो से ज़्यादा जो है मटेरियल का जरूरत पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट अब ये इंग्रेडिएंट जो है प्लांट सोर्स से आते हैं और एनिमल सोर्स से आते हैं तो ये अगेन आई एम टेलिंग यू दैट प्लान्ट जो है एक्चुअली सिंथेसिस करता है फूड को और ये प्लांट जो है अकॉर्डिंग टू द साइंस प्लांट ही ऐसा ही सिंथेसाइज करता है फूड को अब प्लांट जैसे Uh, अगर प्लांट uh, जैसी क्वालिटी अगर किसी ऑर्गेनिज्म है तो वही सिंथेसाइज कर सकता है फूड को हम लोग नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं और अल्टीमेट एनिमल भी है जब हम कार्निवोर्स की नाम uh, कार्निवोर्स के बारे में कहते हैं तो कार्निवोर्स क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो प्लांट को नहीं खाते हैं बट दे दैट एनिमल जिस एनिमल को खाते हैं वो प्लान्ट को खाते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि uh, जो भी एनिमल हो या ह्यूमन हो सभी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट ऑल एनिमल्स और ह्यूमन्स ऑल डिपेंड ऑन व्हाट प्लांट सभी प्लांट पे डिपेंड करते हैं और प्लांट जो है अब अब ये यहाँ पे अब यह, जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्लांट पे हम लोग डिपेंडेंट हैं या प्लांट पे हम ही लोग नहीं सारे एनिमल्स डिपेंडेंट है हैं पे अब देखते हैं कि ये प्लांट आखिर फूड बनाते कैसे हैं उनकी क्या रेसिपी है उनकी क्या इंग्रेडिएंट है सो लेट्स सी तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो न्यूट्रिशन है दिस न्यूट्रिशन एज आई हैव टोल्ड यू कि ये न्यूट्रिशन जो है मोड ऑफ टेकिंग ऑफ़ फ़ूड एंड यूटिलाइजेशन बाय आर बॉडी ये है न्यूट्रिशन अब ये न्यूट्रिशन जो होंगे वो दो तरह के होंगे वन इज ऑटोट्रॉफिक अदर इज़ हैट्रोट्रॉफिक अब ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड होगा ये जो ऑटोट्रॉफिक जैसा कि जो है हम लोग देख रहे हैं ऑटो ऑटो मीज वॉट ऑटो मीज सेल्फ ट्रॉफिक मीन्स नोरिशमेंट सो सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, दैट इज दीज ऑर्गनीज मेक फूड देम सेल्स फॉर फ्रॉम सिंपल सब्सटांस ये अपना फूड खुद बनाते हैं इसीलिए ऑटो ऑटो मीन्स खुद खुद ये अपना फूड बनाते हैं किससे सिंपल सब्सिटांस से और अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं सो दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह के काम करेंगे दे आर कॉल ऑटोट्रॉप्स नाओ एनिमल जो है वो या तो प्लांट पे डिपेंड करेंगे या एनिमल पे डिपेंड करेंगे तो ये खुद खाना नहीं बनाते हैं सो दे आर कॉल हैट्रोट्रॉप सो हियर द टू टर्म्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हैज़ कम ऑटोट्रॉफिक और हैटरोट्रॉपिक अगेन हेट्रोज मीन्स अदर सो न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोमीन्स सेल्फ हेट्रो मीन्स अदर तो ये यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक यहाँ पे आ गया अब ये फूड जो है बनता कैसे है ये जो प्लान्ट वो फूड बनाएंगे कैसे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं इनका फूड बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ फोटो प्लांट के फूड बनाने का प्रोसेस क्या है फोटो सिंथेसिस ना फोटो मीन्स वॉट फोटो जो होता है वो लाइट वर्ड से आया है फोटो मीन्स लाइट सो आपने देखा होगा फोटोग्राफ्स फोटोग्राफ्स जो क्लिक हम लोग करते हैं या फोटोग्राफ्स जो होते हैं सो दे रिक्वायर लाइट जब लाइट नहीं होगा तो फोटो आपका सही नहीं आता है तो लाइट के प्रेजेंस में ही ये फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं अगेन इट इज़ एसोसिएटेड विथ लाइट तो ये जो फोटो है लाइट के प्रजेंस में सिंथेसिस दिस इज सिंथेसिस ऑफ़ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो सबसे फर्स्ट इन्ग्रीडियंट क्या हो गया इसका इन्ग्रीडियंट नहीं कह सकते जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो ये फूड बनाने का है वो लाइट है क्योंकि यहाँ पे जो नाम ही में आ गया फोटो लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाना तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाना सो दिस इज़ फोटोसिंथेसिस सो फर्स्ट टर्म तो आ गया कि फोटोसिंथेसिस क्या है लाइट के प्रेजेंस में प्लांट फूड बनाते हैं अब इनका किचन कौन सा है तो किचन है लिप्स लिप्स जो है यहाँ पे फूड फैक्ट्रीज़ का काम करेंगे लिप्स क्या करेंगे यहाँ पे फूड फैक्ट्रीज़ का काम करेंगे और सारे किचन का काम करेंगे और सभी मटेरियल को रॉ मटेरियल को कहाँ पहुँचना होगा लिप्स में पहुँचना होगा तो क्या क्या रॉ मटेरियल है तो वाटर है मिनरल्स है जो कि Uh, कहाँ से एब्ज़ॉर्ब होंगे रूट से एब्ज़ॉर्ब होंगे और रूट से एब्ज़ॉर्ब होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होंगे लीव्स तक तो अब रूट से एब्जॉर्ब होके जो है दो वेशल्स होते हैं दो पाइप लगे होते हैं इसमें तो uh, क्या होता है कि एक पाइप जो होता है वन एक पाइप जो होता है रूट से uh, जो है वाटर और मिनरल वाटर प्लस मिनरल ले जाएगा जो कि फूड बनाने में जरूरत पड़ेगा और एक पाइप से क्या होता है कि जो फूड जो बन जाता है वो पहुंचता है क्योंकि दोनों पाइप का काम अलग अलग है अब मिक्सिंग के वजह से मिक्स ना हो जाए इसके वजह से दो अलग अलग पाइप हैं तो अब याद रखने के लिए यहाँ से जो पाइप से फूड जाएगा उसका नाम है फ्लोएम तो सम वट साउंडस लाइक फूड फ्लोएम फूड अब जिस पाइप से जल जाएगा जल वाटर तो जल जाएगा उसका नाम होगा जाइलम इन ऑर्डर टू रिमेंबर जाइलम से जल वाटर मिनरल जाएगा और फ्लोएम से फूड जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्लांट में दो तरह के वेसल्स होते हैं पाइप लगे होते हैं अंदर अंदर एक दो पाइप है एक है फ्लोएम दूसरा है जाइलम तो यहाँ से जो है क्या क्या इन्ग्रीडियंट इंग्र, चाहिए था फ़ूड बनाने के लिए तो इन्ग्रीडेंट नंबर वन था वन टू जो भी सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहले किचन कौन है कहाँ पे जाना है तो लिप्स किचन क्या हो गया लिप्स हो गया फिर क्या क्या जाना है वाटर चाहिए खाना बनने के लिए फिर क्या होना चाहिए फिर वाटर कैसे जाएगा तो रूट से जाएगा फिर क्या होना चाहिए अब CO2 टू चाहिए CO2 टू चाहिए और लाइट भी चाहिए तभी यहाँ पे लाइट एक तरह से क्या काम करेगा जैसे हम लोग के घर में एलपीजी का काम होता है वैसे ही ये लाइट भी काम करेंगे एनर्जी का सोर्स जिसके वजह से ये जो सिंपल सब्सटेंस है वो कन्वर्ट होगा कम्प्लेक्स सब्सटेंस में अब ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको हम लोग देखेंगे तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिप्स से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा लिप्स से आएगा अब लिप्स में जो है कैसे आएगा तो लिप्स में एक दरवाजे से आएगा दरवाज़ा दैट इज़ होल यहाँ पे होल होगा और जिसकी रखवाली करेंगे गार्ड और इस गार्ड को कहेंगे गार्ड सेल इस गार्ड को क्या कहेंगे गार्ड सेल इस गार्ड को क्या कहेंगे हम लोग गार्ड सेल तो सेल जो है ये सेल क्या करेंगे रखवाली करेंगे इस होल को तो इसको कहा जाता है स्टोमाटा ये जो पोर होता है इसको कहा जाता है स्टोमाटा तो ये जो है पोर है और कुछ भी नहीं है ये होल है और गार्ड सेल जो है उसको जरूरत के अनुसार खोलते हैं और बंद करते हैं जब भी ज़रूरत होता है तभी ये खुलेगा जब भी ज़रूरत नहीं होगा तो ये बंद होगा तो सेल जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन लाइक अ जो दरवाजा है उसका ये जो है ये लाइक अ पोर है सेल सो so, uh, अब आपको समझ में आ, आ, आ गया होगा तो लीप्स से क्या होगा कि uh, रूट से गया ज रूट से जो है ज, रूट के जाइलम से क्या गया पानी गया लीफ में अब ये गार्ड ये जो स्टोमाटा से क्या जाएगा तो सीओ टू क्योंकि सी ओ टू तो एटमोसफेयर में होते हैं तो सीओ टू स्टोमाटा इस इस से इस होल से इस दरवाजे से जाएंगे जिसका नाम है इस दरवाजे का क्या नाम है स्टोमाटा हमारे घर में दरवाजे का नाम नहीं होता लेकिन इनके दरवाजे का नाम है स्टोमाटा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो नहीं होंगे दरवाजे नहीं होंगे तो सी यू टू आएगा नहीं सी यू टू आएगा नहीं तो फिर फूड बनेगा नहीं बिकॉज सिंपल सब चाहिए इनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा रेसिपी नहीं बनाना है नाउ वन टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया एक और टॉपिक है दैट इज़ सेल सेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब ये सेल होते क्या हैं तो सेल जो होते हैं जो भी सब, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, वो किससे बना हुआ है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी एक टाइनी यूनिट से बने हुए हैं जैसे एक बिल्डिंग में एक ब्रिक से ब्रिक से क्या बनता है बिल्डिंग बनता है उसी तरह एक जो है टाइनी यूनिट से बना हुआ है दे आर कॉल्ड सेल इनको क्या कहा जाता है सेल कहा जाता है अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इनके अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक् अब ये सेल को जो बाउंड करता है दे आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन दे आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियस है जिसमें उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म जिसको सराउंड करता है और ये कैसा है जेली लाइक -like सब्सटेंस है जैसे जेली होता है ना पूरा लिक्विड होता है ना पूरा सॉलिड होता है तो ये सेमी सॉलिड है जेली लाइक -like सब्सटेंस है और ये बहुत ही जो है छोटा होता है जनरल दिखता नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन हो गया बाउंड्री कोई भी चीज़ का बाउंड्री को कहेंगे मेम्ब्रेन uh, तो न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल को सराउंड करने वाला सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे जो है और न्यूक्लियस को कौन सराउंड करता है जेली लाइक सब्सटेंस दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं अच्छे से अब इसको देख सकते हैं अब यहाँ पे जो है ये साइटोप्लाज्म आ गया यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन uh, यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन ये बाउंड्री आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह जो है बाउंड्री है दिस इज सेल मेम्ब्रेन ये जो हो गया साइटोप्लाज्म इसके सेल के अंदर और ये जो देख रहा है ऑरेंज दिस इज़ ये जो छोटा सा दिख रहा है जिसको मैंने ग्रीन से कवर कर दिया दिस इज़ न्यूक्लियस ये है न्यूक्लियस तो यहाँ पे हमने समझ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा तो ये जो क्या है वेसल्स जो मैंने पढ़ा दिया कि ये पैसेज न्यूट्रिएंट को पैस ये रास्ता देते हैं एक पाथ प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो आ, वाटर और मिनरल का वो ऊपर जाता है दे आर कॉल्ड वेशल्स ये क्या कहा जाता है वैशल्स कहा जाता है अब क्या हो गया अब न्यू अब वाटर मिल गया सी टू भी जो दरवाज़ा था स्टोमाटा से आ गया वाटर जो है जाइलम के थ्रू रूट से रूट ने ऑब्जॉर्ब किया और उसके थ्रू आ गया अब लाइट चाहिए लाइट के लिए अब कैसे क्या है तो यहाँ पर लाइट के लिए जो है एक जो है पिगमेंट है ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम दिया गया क्लोरोफिल जस्ट लाइक अ स्टोव गैस स्टोव जो हमारे पास है तो यहाँ पे ये गैस स्टोव क्या है क्लोरोफिल है अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा लाइट को कैप्चर करेगा जैसे गैस स्टोव जो है वो क्या करता है कि एलपीजी का एनर्जी को क्या करता है कैप्चर करता है तभी जो है हम हम लोग का कुकिंग होता है तो यहाँ क्लोरोफिल जो होगा वही बिल्कुल वही चीज़ करेगा वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करेगा और तभी जो है इन दोनों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फूड जो है सिंथेसाइज होगा और इसी प्रोसेस को कहेंगे फोटो सिंथेसिस दिस इज़ कॉल्ड फोटो सिंथेसिस और ये जो है बहुत ही ये यूनिक प्रोसेस है और यहाँ पे सोलर एनर्जी जो होता है लिप्स कैप्चर करता है चूँकि लिप्स में जो है लिप्स कैसा कलर का होता है ग्रीन कलर का और ये ग्रीन कलर किसके वजह से होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट एंड दे आर कॉल्ड क्लोरोफिल और ये जो है यहाँ पे क्या होगा प्लांट जो है प्लांट का लीव्स जो है सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगा और स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फूड फूड में ये स्टोर्ड है सोलर एनर्जी और इसीलिए ये जो सन है सन है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट सोर्स जो एनर्जी का है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो है सन बिकॉज अब जो बात आई पहले क्या आई थी बात की हम लोग जो है प्लांट पे डिपेंडेंट इवन कार्निवर्स भी प्लांट पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे सोलर एनर्जी यहाँ पे जो प्लांट जो है उस सन के एनर्जी को कैप्चर किया फिर फूड बनाया तो क्या हो गया अब यहाँ पर बात हो गई कि हम लोग किस पर डिपेंडेंट है हम लोग का अल्टीमेट सोर्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट this topic so uh, next uh, next uh, topic will deal in next part so thank you